हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए फिर से एक नया टॉपिक के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटिंग फैक्टर, ये दोनों होता क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस हैं वो सारे उन सारे टॉपिक्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पाउडर फैक्टर होता क्या। पाउडर फैक्टर इज अ रिलेशन बिटवीन हाउ मच रॉक मीन्स ओर और कोल इज ब्रोकन एंड हाउ मच एक्सप्लोसिव इज यूज टू ब्रेक इट। मतलब कि पाउडर फैक्टर जो होता क्या है कि कितना कोई भी रॉक को तोड़ने के लिए, ठीक है, जितना हम लोग रॉक को तोड़ते हैं उसमें कितना एक्सप्लोसिव यूज होता है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, या फिर कहा जाए दोनों का एक रेशियो है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है कि पाउडर फैक्टर इक्वल टू टन्स ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक बोलने का मतलब है कि यहाँ पे रॉक में हम लोग ओर को भी ले सकते हैं या फिर कोल को भी ले सकते हैं, ठीक है। टन्स ऑफ कोल और रॉक, ठीक है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज इन केजी, ठीक है। ये हमारा पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला, ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला जो हम समझते हैं कि डेटोनेटिंग फैक्टर क्या है। द डेटोनेटिंग फैक्टर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच रॉक इज ब्रोकन एंड द नंबर ऑफ डेटोनेटर्स, ठीक है। सिंपली बोला जाए कि ये भी एक रेशियो है पाउडर फैक्टर की तरह, ठीक है, जिसमें टन्स ऑफ रॉक डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डेटोनेटर। मतलब कि एक डेटोनेटर के यूज करने पर कितना रॉक मीन्स ओर और कोल, ठीक है, ये सेम थिंग है, ओर और कोल यूज हो टूटता है एक डेटोनेटर पर डेटोनेटर पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर है कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या है कि एग्जांपल देखने से आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो उदाहरण हमारे पास है, एक वर्किंग फेस में एक साइकिल ब्लास्टिंग के दौरान 18 टन कोयले का उत्पादन करता है और 40 होलों में 8.4 केजी बारूद का प्रयोग होता है, अतः पाउडर फैक्टर और डेटोनेटिंग फैक्टर निकालना, ठीक है, दोनों निकालना है इसमें। तो हमारे पास जो दिया है पहले कि कोल कितना हम लोग का प्रोड्यूस हो रहा है 18 टन, होलो की संख्या 14 है और एक्सप्लोसिव यूज कितना हो रहा है 8.4 केजी, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो दिया हुआ, तो देखते हैं। तो हमारा जो जो दिया हुआ वो सारा चीज़ हमने लिख लिया है, ठीक है। और हमारे पास पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है कि कोयले की मात्रा, क्योंकि ये कोयले के लिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कोयले के लिए, तो कोयले की मात्रा डिवाइडेड बाय बारूद की मात्रा, ठीक है। दोनों का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने, 18 टन जो कोयले की मात्रा है और 8.4 केजी जो हमारा क्या हुआ है यहाँ पर एक्सप्लोसिव यूज हुआ है। तो जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट डिवाइड किया जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू मिलता है 2.14 लगभग, ठीक है, यही हमारा आंसर है। पढ़ते आगे, अब हम लोग को निकालना था डेटोनेटिंग फैक्टर भी। तो डेटोनेटिंग फैक्टर जैसे कि कोयले की उत्पादन की मात्रा जो कि हम लोग को टन में लेना है, ठीक है, और डेटोनेटर की संख्या, तो ऊपर में हम लोग देखते हैं कि डेटोनेटर की संख्या क्या दी हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ होलो की संख्या दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, होलो की संख्या। तो जितना होल की संख्या सेम नंबर ऑफ डेटोनेटर की संख्या होगी, ठीक है, सेम होगा, 14 अगर होलो की संख्या है तो डेटोनेटर की संख्या भी क्या होगी, 14, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पर पुट किया, तो हमारा 18 टन जो कोल उत्पादन हुआ और 14 डिटोनेटर यूज हुआ, तो दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है कितना आता है 1.28 लगभग, ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हर वीडियो के साथ में मैं हमेशा आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से समझेंगे। अ कोल हेडिंग 4 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर हाई हैज एन एडवांस ऑफ 1 मीटर पर साइकिल, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज 6 kg, ओके। टेकिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज 1.5, ठीक है। द पाउडर फैक्टर क्या होगा ये हमको निकालना है, ओके। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है पाउडर फैक्टर, और हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है ये सारा चीज कि विड्थ कितना है हेडिंग का, हाइट कितना है, और पर साइकिल कितना आगे एडवांस हो रहा है, ये तीनों फैक्टर हैं। तो हम पहले इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला है और वेट ऑफ कोल पर पुल पर साइकिल हम लोग फॉर्मूला में डालना है, और वेट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने को पहले अमाउंट ऑफ कोल निकालना है कि अमाउंट ऑफ कोल है क्या। तो अमाउंट ऑफ कोल निकालने के लिए हम लोगों ने उसका वॉल्यूम, हम लोगों ने मैंने उसका वॉल्यूम पहले निकाला, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज हो जाएगा आपका 4 इंटू दैट इज जो वाइड था इंटू 2.5 जो कि उसका हाइट है फेस का, और पुल कितना हो रहा 1 मीटर एडवांस हो रहा पुल जो रहा, तो ये हो गया उसका वॉल्यूम। और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए किससे, फिर से 1.5 से, ये इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी था। इसको सॉल्व करने के बाद में हम लोग को मिला कितना, 15 टन कोल प्रोड्यूस मिला, कितना 15 टन कोल, ठीक है। और 6 kg जो हम लोग ने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 kg एक्सप्लोसिव यूज हुआ, जब इनको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आया 2.5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 टन पर kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लास्टिंग होलो की संख्या क्या होगी अगर वीच कट ब्लास्टिंग फेस में हाइट 3 मीटर है और वेट 4 मीटर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंपली याद रखना है, इसमें एक फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना होगा कि एरिया ऑफ फेस को डिवाइड करेंगे 0.8 से, ये है आपको वेज कट के लिए, ठीक है। और जब हम लोग इसको फैन कट के लिए यूज करेंगे तो 0.8 की जगह पे 0.7 को यूज करना है, ओके। तो इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो हमारा क्या है कि 3 × 4 डिवाइडेड बाई 0.8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 15, हमारा आंसर क्या आएगा 15, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सोयल कहाँ पाया जाता है। तो सोयल कहाँ पाया जाता है, हमारा ऑप्शन जो है सिम के नीचे, सिम के ऊपर, सबसे ऊपर वाले कवर में, या सबसे नीचे वाले। तो सबसे नीचे, तो सोयल जो है, हम लोग का डेफिनेशन सोयल का क्या होता है कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन सोयल, ठीक है। तो हमारा सबसे जो सटीक आंसर क्या होगा, सबसे ऊपर वाले कवर में, तो सी ऑप्शन सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। माइनिंग सदार का कम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे कम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो रेगुलेशन अगर 14 देखते हैं कि कोई भी माइनिंग एग्जाम बोर्ड माइनिंग एग्जाम में आपको अगर अपियर होना है तो रेगुलेशन नंबर जो 14 क्या कहता है कि आपको कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, ओके। इंटरमीडिएट, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि प्रीवियस जो हमारा रेगुलेशन था, दो रेगुलेशन जो 1957 था उसमें क्या दिया हुआ था, मैट्रिक, ठीक है। तो उसको याद नहीं करना, उसको हटा देना है दिमाग से। अब आपके पास दिमाग से क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट। रेगुलेशन नंबर 14 के अंदर में अगर पॉइंट नंबर 3 आप देखते हैं तो, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बारिश को सुरक्षित रखने की जगह को क्या नहीं कहा जाता है।
तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये पॉइंट जो हमेशा लोग दिमाग से निकल जाता है कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं, और जल्दीबाजी में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ते अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ वर्ड्स के कारण से आंसर गलत हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो मैगजीन ये तो हमारा जो आंसर में होता है कि यहाँ पे हम लोग सुरक्षित रखते हैं बारूद को, रिजर्व स्टेशन में रखते हैं जो अंडरग्राउंड में यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्टेबल मैगजीन ये भी है, यहाँ पे बारूद को सुरक्षित रखा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डिले डिटोनेटर और नॉन डिले डिटोनेटर में फिजिकली कैसे अंतर बताया जा सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। डिले डिटोनेटर और नॉन डिले डिटोनेटर के बीच में फिजिकली कैसे अंतर बताता है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या, लीड के रंग से, बेस चार्ज के से, प्राइमिंग चार्ज से, नियोप्रिम प्लग से। तो ये सारे जो है, ये नीचे के तीन ऑप्शन जो है ये अंदर के भाग है, जो ऊपर से हम लोग नहीं देख सकते हैं, और सिर्फ ए ऑप्शन जो है लीड के रंग, ये हमारा जो सही आंसर, इसी से हम लोग उसको पहचान सकते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उपकरण ब्लास्टिंग सर्किट के कंटिन्यूटी जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आसान सा है यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा, जो सब कोई जानते हैं, तो आंसर क्या होगा, ब्लास्टोमीटर इसका सही आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन। अगर स्टोन रिप्लेस सॉकेट पाया जाता है तो किस रेगुलेशन के अनुसार उसे संभाला जाएगा, उसको डील किया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा, तो कौन सा रेगुलेशन से डील करते हैं, तो सॉकेट भी एक तरह का मिसफायर की तरह से डील किया था रेगुलेशन नंबर 204 के अंदर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, तो आंसर सही क्या होगा, ए, ठीक है, 204। तो आशा करता हूँ ये दो टॉपिक जो मैंने सिखाया, डेटोनेटिंग फैक्टर और पाउडर फैक्टर, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, और नंबर ऑफ होल्स पर फेस आपको जैसे निकालना वो भी समझ में अच्छी तरह से आ गया, और दो तीन जो क्वेश्चन था वो हमेशा आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू। तो और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप मेरी जो नोटिफिकेशन है इस चैनल से आपको मिलता रहे।